हेलो एवरीवन दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यू चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पेशली टेंथ स्टूडेंट के लिए क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को एमसीक्यू सी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से एसर्शन रीजन के हिसाब से और केस स्टडी के हिसाब से यहाँ पर हम आज के सेशन में हम लोग टॉप फिफ्टी एम को डिस्कस करेंगे और पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे एसर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन को तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है ये

रिएक्शन करके ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या है MnO2 है और हमारे पास HCl है ठीक है MnO2 और HCl है और ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा तो आप देखिए MnO2 और HCl से क्या बनेगा तो यहाँ पर बनेगा MnOH का होल ट्वाइस ठीक है MnOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 तो यहां से जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी क्लोरीन गैस यानी यहां से और क्लोरीन गैस गैस ब्लीचिंग प्रॉपर्टी को रखती है तो यहां से वो सबसे पहला क्वेश्चन हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एम एन ओ टू एंड एच सी एल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये कौन सी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है डीकम्पोजिशन है तो बताइए देखिए यहां पर देखिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइंड होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो क्या होती है कॉम्बिनेशन तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई एक सब्सटेंस टूटे और दो में कन्वर्ट हो जाए तो ये वो भी नहीं हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है डिस्प्लेसमेंट भी होता हुआ यहाँ पर कोई प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन यानी आप देखिए यहां से अगर आप यहाँ चेक करते हो तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ठीक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन तो इन शॉर्ट यहां पर तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ हो रहा है

क्या बनाती है ब्लीचिंग पाउडर बनाती है यानी सी एच का होल ट्वाइस के साथ ये रिएक्ट होकर क्या बनाती है ये बनाती है सी एओ सी एल टू दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर तो ये कुछ इस तरीके से बनाती है और बाय प्रोडक्ट हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होती है तो इसका राइट right आंसर होगा आपका ए आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद इसी एक्टिविटी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दिए गए करेक्ट स्टेटमेंट में बताइए एम एन ओ टू इज गेटिंग रिड्यूज वेयर एच सी एल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज क्या एम एन ओ टू रिड्यूज हो रहा है और एच सी एल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमने टू को एच सी एल के साथ ट्रीट कराएंगे तो एम एन ओ टू को एच सी एल के साथ ट्रीट कराने पर एम एन ओ एच का होल ट्वाइस बनेगा और साथ साथ क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी तो हम वो कह रहे हैं कि बताइए एम एन ओ टू इज गेटिंग रिड्यूज और वेयर एज एच सी एल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज क्या ऐसा हो रहा है या इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक है तो अभी अभी हमने देखा था एम एन ओ टू से जब हम यहाँ चेक कर रहे थे तो हाइड्रोजन एड हो रहा था और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों रिडक्शन बोलते हैं रिडक्शन तो एक्चुअल में एम एन ओ टू क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूज हो रहा है MNO2 क्या हो रहा है reduced. अब यहां से जब हम यहां चेक कर रहे हैं, तो removal of hydrogen दिख रहा है और removal of hydrogen को हम क्या बोलते है? oxidation बोलते हैं हैं. एच सी एल हो रहा है ऑक्सीडाइज एच सी एल हो रहा है, है यहाँ पे ऑक्सीडाइज तो वो कह रहे हैं एम एन ओ टू इज गेटिंग रिड्यूज वेयर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बिल्कुल ठीक है यानी ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट right ऑप्शन है आगे बढ़ते हैं इसका देखिए फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट वो कह रहा है इन द अबाउट डिस्कशन रिएक्शन जो रिएक्शन अभी हमने डिस्कस करी थी एम एन ओ टू प्लस टू एच सी एल गि एम एन ओ एच का होल ट्वाइस प्लस सी एल टू ठीक है एम एन ओ एच का होल्डस प्लस सी एल टू जो डिस्कस करी थी रिएक्शन वो कह रहा है इन द अबाउट डिस्कस रिएक्शन वाट इज द नेचर ऑफ एम एन ओ टू एम एन ओ टू का नेचर क्या है देखिए बच्चों एम एन के होता है मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीज जो होता है सॉरी मैग्नीज एक मेटल है और मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं बेसिक आप नोट बना के भी लिख सकते हैं कि मेटल के मैक्सिमम ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड तो है इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं तो वो कह रहा है व्हाट हैचसी गैस इंस्टीट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ एच अगर हम ड्राई एच गैस को पास कराएं किसकी जगह पर एक्वस एच सी की जगह पर तो क्या होगा देखिए ड्राई अगर एचसीएल गैस होगी ड्राई एच गैस का मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है वो गैस फॉर्म में तो अगर आप ऐसे खुले कंटेनर में गैस पास कराओगे तो वो नीचे तक जाएगी ही नहीं वो आप पास तो इधर कराओगे और वो कहां मूव हो जाएगी वो एनवायरमेंट में मूव हो जाएगी और वो रिएक्ट ही नहीं करेगी तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा रिएक्शन में नॉट अकर यानी इनके बीच में रिएक्शन ही नहीं होगी और रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वो गैस बनकर उड़ जाएगी वो रिएक्ट नहीं करेगी तो इस एक्टिविटी पर ये पांच क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है है आपका कि द रिएक्शन बिटवीन CaO एंड H2O यानी इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है और कैल्शियम ऑक्साइड में ये क्या डाल रहे हैं पानी डाल रहे हैं तो जब इनके बीच में रिएक्शन होती है इज डेपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम इट वाज ऑब्जर्वड दैट अ ऑर्डरलेस वाइट पाउडर इज फॉर्मड वो कह रहे हैं कि जब CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पानी डाला जाता है तो एक वाइट कलर का पाउडर बनता है ठीक है एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है तो बताइए आगे वो क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सी एंड एच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पहले तो ये बताइए कि जब आप सी में एच डाल देंगे तो क्या बनेगा तो जो बनेगा वो होगा सी का होल ट्वाइस सॉरी सी ए है H2O तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस ठीक है तो वो कह रहा है बताइए ये केमिकल किस का एग्जाम्पल है तो आप देखिए जब दो एल कंपाउंड आपस में रिएक्ट होके एक बनाते हैं तो यानी ये कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड हो रहे हैं तो ये रिएक्शन कौन सी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और जो व्हाइट पाउडर मिल रहा है वो किस चीज का मिलेगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आगे बढ़ते हैं इसी का बी पार्ट में कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोडक्ट में बना था अभी रिएक्ट विद टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करे कि वो क्या बना दे वो कैल्शियम कार्बोनेट बना दे तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 गैस के साथ ट्रीट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और ये टेस्ट भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का टेस्ट करना हो तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को सीओ एच के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा लिक्विड मिल्की हो जाता है तो इसका आंसर क्या होगा सीओ टू गैस ठीक है ड्राई में नहीं कर पाएगा आगे बढ़ते हैं आ, आगे कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द Following. ये आपको रिएक्शन दे दी है आपसे कह रहा है ये बताइए ये रिएक्शन किस तरीके की है बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि अगर प्रोडक्ट की साइड हीट लिखा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रही है प्रोडक्ट तो बनी रहा है साथ साथ हीट भी इवॉल्व हो रही है और अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो हमने पढ़ा है जिन केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ए होगा आगे बढ़ते हैं रीड द फॉलोइंग एंड आंसर आगे आपसे कहता है द रिएक्शन बिटवीन इन द अब डिस्कस रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ सी का होल्ड ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होगा तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं या फिर मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं इन सब का नेचर होता है बेसिक तो आप किसी भी मेटल का ऑक्साइड उठाइए किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड उठाइए या किसी भी मेटल का कार्बोनेट उठाइए ये सब नेचर में बेसिक होते हैं तो इसका आंसर बी होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेचर में बेसिक होता है आगे बढ़ते हैं तो इसका फिफ्थ पार्ट आता है, बी हैपन इफ वी टीकर देखिए हमने अभी अभी पढ़ा कि ये रिएक्शन कैसी है इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रही है तो अगर हम इसको टच करते हैं तो नो no डाउट हमें कैसा फील होगा बीकर गर्म फील होगा तो बीकर विल कूल? नहीं जी कलर ऑफ बीकर बिकम्स चेंज नहीं जी बीकर इज हीटेड बिल्कुल सही तो इसका आंसर क्या होगा बीकर हीट हो चुका होगा और हमें गर्म फील करेगा अगर हम उसको छुएंगे क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल डेपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम इट वाज ऑब्जर्व दैट अ बर्निंग स्मेल इज ऑब्जर्व यानी जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो यहाँ से जो स्मेल निकलती है वो एक बर्निंग स्मेल होती है बर्निंग स्मेल ऑब्जर्व होती है तो इस बेस पर बताइए द केमिकल रिएक्शन ऑन हीटिंग फेरस फेरस सल्फेट सल्फेट इज द टाइप ऑफ यानी जब sulphate को आप हीट करा रहे हो ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके की है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट कराते हैं हीट किसकी प्रेजेंस में कराएंगे हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा फेरस ऑक्साइड मिलेगा प्लस यहाँ से एसओ और एसओ गैसेस इवॉल्व होती हैं और जिनका क्या होता है बर्निंग स्मेल होती है ठीक है तो वो कह रहा है ये किस तरीके की रिएक्शन है तो गाइस ये देखिए किस तरीके की रिएक्शन है हम इसको हीट करा रहे हैं हीट मींस ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं और जिन रिएक्शंस को हम हीट करा रहे हैं यानी एफईएसओ4 ब्रेक हुआ होगा आप ऑक्सीजन चाहे दिखाओ या मत दिखाओ चाहे आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि आप एफईएसओ4 को हीट करा रहे हो तो एफईएसओ4 को जब आप हीट करा रहे हो आप ऑक्सीजन मत दिखाओ अगर नहीं दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो अगर आप इसको हीट करा रहे हो तो नो डाउट एक कंपाउंड कितने में टूट रहा है एक से ज्यादा में टूट रहा है और ज्यादा में टूटता है तो वो क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी पढ़े हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जो हीटिंग के थ्रू होता है वो कैसी रिएक्शन कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है तो उसका राइट right आंसर क्या होगा थर्मल डीकम्पोजिशन और रिएक्शन होगी ये आगे बढ़ते हैं तो आगे बी पार्ट इसमें पढ़ते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट बिफोर हीटिंग यानी जब आप फेरस सल्फेट को हीट करने के लिए आपने यूज किया होगा तो उसका कौन सा कलर होगा देखिए जब फेरस सल्फेट को हीट करने के लिए यानी इनिशियली जब हीट नहीं किया तो फेरस सल्फेट का जो कलर है वो कैसा होता है ग्रीन होता है लेकिन लाइट ग्रीन होता है जिसमें ये, येलो का भी थोड़ा सा रहता है प्रजेंस इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पेल ग्रीन तो फेरस सल्फेट का कलर कौन सा होता है पेल ग्रीन होता है हीट करने से पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है पेल ग्रीन आगे बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट वो पूछ रहा है व्हाट प्रोडक्ट इज द फॉर्मड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट अभी अभी हमने रिएक्शन करी थी और अभी अभी हमने देखा था कि किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं तो गाइज एफ ई टू ओ थ्री बनता है एस ओ टू बनता है और एसओ थ्री बनता है तो यह प्रोडक्ट होते हैं इस chemical reactions के जो अभी हमने पीछे डिस्कस की थी आगे बढ़ते हैं तो वाट इज द कलर ऑफ एफ ई टू ओ थ्री यानी जब फेरस सल्फेट को आपने हीट करा दिया फेरस सल्फेट को हीट कराने के बाद फेरस सल्फेट प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट हो गया एफ ई टू ओ थ्री में तो बताइए पेल ग्रीन कलर वो ये पूछना चाह रहा है कि पेल ग्रीन कलर का फेरस

उन गैसेस का कलर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए ये जो पेल SO2 और SO3 हैं, है यानी देखिए ये तो अब आपको सब बताऊं, फेरस सल्फेट का कैसा कलर था पेल ग्रीन ठीक है प्रोडक्ट क्या क्या था Fe2O3 का कैसा था रेडिश ब्राउन और SO2 और SO3 थ्री जो इवॉल्व हो रही हैं वो कैसी होती हैं तो वो होती हैं कलरलेस वो गैसेज कैसी होती हैं कलरलेस होती हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास देखिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोगों को बच्चों को समझ नहीं आता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं तो हम एक कंटेनर लेते हैं इस कंटेनर के अंदर हम एक कोई इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके और हम इसके अंदर दो मेटल की रोड लगा देते हैं दो मेटल की रोड को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बाद बच्चों हम एक टर्मिनल को क्या बनाते हैं पॉजिटिव जहां हम इसको एनोड बोलते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम नेगेटिव बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैथोड इस सेल के अंदर अब क्या होता है जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करा रहे हैं वाटर का तो देखिए प्योर वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, तो है। हम इम्प्योर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डायल्यूट एच डाल देते हैं और जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वाटर आयन ब्रेक हो जाता है एच और ओ में और इस तरीके से ये जो एच प्लस आयन है यह हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और

इन ईच टेस्ट ट्यूब तो बच्चों कौन सी गैस मिलेगी अभी हमने कहा एनोड पर हमें कौन सी मिलेगी ऑक्सीजन और कैथोड पर हमें कौन सी मिलेगी हाइड्रोजन तो एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिलेगी यानी इधर हमें ऑक्सीजन मिलेगा और यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में हमें हाइड्रोजन मिलेगा अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें तो हाउ कैन वी डिटेक्ट दीज टू गैसेज हम इन गैसेज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं तो बच्चों इन गैसेज को डिटेक्ट करने का रीजन है कि हाइड्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस के पास कोई बर्निंग स्प्लिंटर माचिस की तीली लाते हैं तो ये पॉप साउंड क्रिएट करता है और अगर पॉप साउंड आया पॉप साउंड आया तो हम क्या कहेंगे वो हाइड्रोजन गैस है और अगर पॉप साउंड नहीं आया तो हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन गैस नहीं है ऑक्सीजन गैस के लिए बात करूं तो ऑक्सीजन गैस के पास अगर आप कोई बर्निंग स्प्लिंटर लाते हो तो वो और ब्राइट तरीके से जलना स्टार्ट हो जाएगा वो और, और तेजी से जलना स्टार्ट हो जाएगा और अगर वो और तेजी से जला तो क्या होगा तो यहां पर ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस मिल जाएगी तो वो कह रहा हाउ कैन वी डिटेक्ट दिस टू गैसेस बर्निंग ब्रिंग बर्निंग कैंडल क्लोज टू बोथ द टेस्ट्यूब दोनों टेस्ट ट्यूब के पास हम क्या लाएंगे बर्निंग कैंडल लाएंगे जिसमें से एक पॉप साउंड देगा और दूसरा नहीं देगा दूसरा क्या कह रहा है वो ब्रिंग बर्निंग कैंडल यानी एक के पास तो किसी एक के पास लाएंगे बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन वाली के पास क्या लाएंगे बर्निंग कैंडल को लाएंगे और ऑक्सीजन वाली के पास जब बर्निंग कैंडल लाएंगे तो बर्निंग कैंडल क्या होगा ब्राइट

ट्यूब में ऑक्सीजन गैस मिल रही है इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस मिल रही है तो बताइए रेशो क्या होगा बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल का रेशो होगा वही रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा अब मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं दो और ऑक्सीजन का कितना आइटम है एक तो इनके बीच में रेशो कितना है टू रेशो एक तो गैस भी हमें इसी रेशो में मिलेगी यानी जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होगा जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका डबल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी तो जितना हो यहां पर one volume, one होता है तो नो डाउट ये टू लीटर होगा ठीक है तो इस तरीके से होगा यानी इनका रेशो क्या रहेगा टू रेशो वन क्योंकि फॉर्मुले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है टू रेशो वन तो राइट ऑप्शन क्या होगा सी ठीक है आगे बढ़ते हैं रीड द फॉलोइंग आगे जो आ, कह रहा है वो आपसे कह रहा है नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये जो हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो रही है इस गैस का नेचर कैसा होगा तो ये हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव होती है नहीं जी हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव नहीं होती है सपोर्टर होती है तो सपोर्टर इन कंबेशन नहीं होती है ऑक्सीजन गैस होती है सपोर्टर इन कंबेशन तो हाईली कंबस्टिबल हाँ जी हाईली कंबस्टिबल होती है और एक हाइड्रोजन गैस एक बहुत अच्छा फ्यूल भी है फ्यूचर का फ्यूल है ठीक है बायो फ्यूल भी कह सकते हो आप इसको ठीक है तो ये हाइड्रोजन गैस एक बायो फ्यूल है जो जनरली रॉकेट्स में यूज किया जाता है और आने वाले फ्यूचर में हाइड्रोजन गैस ही एज अ फ्यूल यूज की जाएगी तो हाई क्यों की जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टिबल होती है इजीली जलती है और इजीली हम कहें तो हीट प्रोड्यूस करती है तो हाईली कंबस्टिबल होगा तो ना ये ये होगा ना ये होगा और पॉइजनर तो होती ही नहीं है तो इसलिए ये क्या है highly combustible है आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस अभी अभी बताया ऑक्सीजन गैस कैसी होती है ऑक्सीजन गैस तो कंबेशन किसी चीज को जलाने में सपोर्ट करती है इसलिए वो क्या है सपोर्टर ऑफ कंबेशन है ठीक है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं आपसे कहता है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एजीसीएल एंड सनलाइट इज एन एग्जाम्पल यानी वो पहले ऊपर का क्वेश्चन पढ़ते हैं आपसे कहता है ओन प्लेसिंग सिल्वर क्लोराइड उन्होंने क्या किया इस कंटे यहां पर इस चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड यानी एजीसीएल ले लिया और सिल्वर क्लोराइड को इस पर क्या छोड़ दिया सनलाइट की प्रेजेंस में इस पर छोड़ दिया इस पर सनलाइट आ रही है तो वो कह रहा है कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इस सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज हो जाता है एंड इट वाज ऑब्जर्व ग्रीनिश येलो ये सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्रीनिश येलो कलर हमें दिखना शुरू हो जाता है येल्लो गैस यानी जब ये होता है तो ग्रीनिश येलो गैस यहाँ से इवॉल्व होती है तो बताइए क्या हो रहा है यहां तो देखिए द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एजी सी एल एंड सनलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ सबसे पहले वो ये ये पूछ रहा है है रिएक्शन किस तरीके का example है? तो आप समझिए कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को एच एन से रिप्रेजेंट करते हैं छोड़ेंगे तो ये फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं यानी सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा और ये टू एजी प्लस सीएल टू में टूट जाएगा तो ये क्या है एक मॉलिक्यूल जब दो एटम से मॉलिक्यूल्स में टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं

सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है पहले तो आपको ये बताते हैं और ये जो व्हाइट कलर है ये किस में ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी सिल्वर का कलर ग्रे होता है तो व्हाइट कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे में तो ग्रे ऑप्शन कौन सा होगा सी ग्रे कलर ऑफ सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं वो कहता है फोटो डिकम्पोजिशन हमें पता है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो फोटो डिकम्पोजिशन ही हो रहा है तो फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ एजीसीएल इज एन एग्जांपल ऑफ आप देखिए जब फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है हमें इसे हीट दे रहे हैं और हीट इसे इस

आगे बढ़ते हैं तो आगे कह रहा है द गैस इवॉल्वड ड्यूरिंग द फोटो डीकंपोजिशन ऑफ एजीसीएल जब आप एजीसीएल को ब्रेक करोगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी तो बच्चों एजीसीएल जब ब्रेक होगा तो सिल्वर में टूटेगा और साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी जो कि ग्रीनिश येलो होती है ऊपर उन्होंने हिंट दिया था हमें तो कौन सी गैस यहां से इवॉल्व होगी क्लोरीन गैस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ फिर दोबारा एक डायग्राम आपको दिखाया गया येलो कलर कंपाउंड इज सेटल डाउन येलो कलर का, nitrate, KI, ये तो का एक कंपाउंड बन जाता है तो येलो कलर का कौन सा कंपाउंड बनेगा तो आप देखिए जब ये रिएक्शन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे ये बनाएंगे पी बी आई टू लेड आयोडाइड प्लस एनो थ्री पोटेशियम नाइट्रेट के एन ओ थ्री और पीबीआई टू तो ये रिएक्शन होगी इनके बीच में तो वो कह रहा है बताइए फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस ये किस तरीके के रिएक्शन है तो बच्चों ये रिएक्शन किस तरीके की है जरा चेक कीजिए आप तो देखिए ये रिएक्शन में जनरली क्या हो रहा है ये जो पीबीआई टू है हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि दो कलरलेस चीजें आपस में मिलाई गई और हमें एक कलर्ड कंपाउंड यहां दिख रहा है जो कि नीचे की तरफ बैठ गया सेटल डाउन हो गया तो जो कंपाउंड नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है उसको हम पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट बोलते हैं तो ये जो पी बी आई टू मिला है ये क्या मिला है पीपीटी मिला है कैसे कलर का पीपीटी मिला है डायग्राम से हमें पता लग रहा है येल्लो कलर का पीपीटी मिला है और जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी बनता है उनको क्या बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सी होगा रिएक्शन ये होगी आगे बढ़े तो देखते हैं वाट आर प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट्स क्या होते, है? बच्चो, ऐसे होते हैं तो बच्चों है। तो है, और ना ही ये है। तो इस कंडीशन में आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसका टाइप होती है तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस से वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप होता है और साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप होता है तो वो कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है किसका टाइप है तो वो किसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका टाइप है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे डाउनलोड सॉरी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एरो रिप्रेजेंट तो अभी अभी हमने एक रिएक्शन करी है पी का ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट प्लस के आई टू के आई पोटेशियम आयोडाइड जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो पी बी आई टू प्लस टू के एन ओ थ्री बनता है पोटेशियम नाइट्रेट बनता है तो बच्चों जब पी पी टी बनता है पी पी टी का राइट प्रेजेंटेशन क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के बराबर में किसी कंपाउंड के बराबर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन एर, एरो बताता है कि वो क्या है पी है और अगर किसी के बराबर में सपोज करो

केमिकल रिएक्शन ऑलवेज सेम फॉर ऑल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सारी उन केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सेमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा ऑलवेज सेम इन ऑल रिएशन क्या प्रेसिपिटेट सारी रिएक्शन के अंदर सेम होता है तो नहीं डिफरेंट इन डिफरेंट रिएक्शन बिल्कुल ठीक हर रिएक्शन में अलग अलग होता है ऑलवेज फॉर्म्ड वाइट प्रेसिपिटेट हमेशा वाइट प्रेसिपिटेट बने ऐसा भी नहीं है नन ऑफ दैम ये भी नहीं है तो कौन सा ऑप्शन राइट right है बी ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन है आगे बढ़ते हैं आगे आता है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन अब ब्लैक कॉपर कलर कॉपर ऑक्साइड यानी वो कह रहे हैं कि ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है ब्लैक कलर का है ठीक है रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनाता है तो पहले ये देख लेते हैं जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी सीयू ओ प्लस एच टू जब ये रिएक्ट करेगा तो सीयू प्लस एच टू ओ हो जाएगा होगा या नहीं अब वो कह रहा है कि रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनता है तो नो डाउट कॉपर बन रहा है यहाँ पे पानी का तो कलर हमें पता है तो ये क्या होगा कॉपर का कलर क्या होगा रेडिश ब्राउन होगा तो हमें ये मिल गया यानी यहां पर कुछ ये रिएक्शन हो रही होगी अब वो पूछ रहे हैं इसके बेस पर व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के बीच में केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही होगी तो ये हो रही होगी अब जरा मैच करते हैं ये रिएक्शन कहां दिख रही है तो हमें बी ऑप्शन में ये रिएक्शन राइट दिख रही है और सारी रिएक्शन गलत दिख रही है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है आगे बढ़ते हैं तो अः नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो कॉपर और वाटर बन रहा है लेकिन ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है तो बच्चों देखो जरा एग्जाम्पल में चेक करते हैं सी और कॉपर को अगर हम चेक करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ जाते हुए रिमूवल ऑफ यहाँ से यहाँ जाते हुए हमें क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है या हम कहें कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूज हो रहा है इसी तरीके से H2 से चेक करें तो टू में जाते-जाते ऑक्सीजन -जाते, ऐड ऑक्सीडाइज ठीक है, हो रहा है O2, तो, तो ये किस तरीके की रिएक्शन हुई वो केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उनको रिडोक्स रिएक्शन बोला जाता है तो रिडॉक्स रिएक्शन यानी इसका एग्जांपल कौन सा होगा यानी राइट ऑप्शन क्या होगा ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके बता रखा है भी बता रहा हूं कि जो कॉपर ऑक्साइड का अभी, अभी हमने चेक किया कि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ क्या हो रहा है कॉपर ऑक्साइड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन तो आप ये ध्यान रखिए जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो उसका, वो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अभी अभी हमने चेक किया था हाइड्रोजन का क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट तो आप चेक कीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है यानी सीयूओ हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट तो सी इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं जी एच इज रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है सी ओ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल ठीक है तो यही वाला ऑप्शन हमारा राइट right है दिस इज द राइट ऑप्शन आगे हमें पढ़ना ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो हमसे कहता है व्हाइट सब्सटेंस इज रेडिश ब्राउन इन गिवन रिडॉक्स रिएक्शन व्हाइट सब्सटेंस यानी ये जो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ था वो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया तो ये जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस है वो कौन सा है तो बच्चों रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कौन सा होता है कॉपर स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था आगे बात करते हैं तो आपसे कहता है व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन ऑफ अब ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या जरा देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन में वो कह रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन है ये इसको बर्न किया जा रहा है एयर की प्रेजेंस में तो वो कह रहा है डायग्राम के हिसाब से बर्न कर रहे हैं तो जब ये बर्न होकर नीचे गिर रहा है तो ये कुछ बना रहा है तो वो कह रहा है व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन ऑफ तो ये, इस ये केमिकल रिएक्शन क्या होगी जरा करके दिखाओ तो बच्चों देखो अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो ओटू की प्रेजेंस लेते हैं तो मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो क्या होगा हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये रिएक्शन होगी एक्चुअल में तो अब ये रिएक्शन जरा चेक करो कौन सी है क्या ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है नहीं सेकंड वाली रिएक्शन है हाँ जी यही है थर्ड वाली गलत फोर्थ वाली गलत तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट तो मैग्नीशियम को बर्न करने पर जब ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा होगा और ये रिएक्शन हो रही होगी आगे बढ़ते हैं तो आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि टू एम जी प्लस ओ टू गिव एम जी ओ अभी हमने चेक करा ये रिएक्शन हो रही है गिवन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है तो आप खुद देखिए दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइंड होकर एक बना रहे हैं जब दो सब्सटेंसेस ए और बी आपस में कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बनाते हैं प्रोडक्ट का तो यानी कंबाइंड हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक्साम्पल है आगे बढ़ते हैं वाट विल बी द कलर ऑफ एमजीयू का कलर क्या होगा बच्चों तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर तो जब ये मैग्नीशियम की रॉड यहां पर जो तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है वाइट होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो गिवन रिएक्शन इज ये रिएक्शन कैसी होगी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक या फिर रिडॉक्स टाइप की या फिर नन ऑफ देम देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है तो नो no डाउट हम क्या कर रहे हैं हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं हम जला रहे हैं तो जो भी जलने वाली रिएक्शंस होती हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक होती हैं साथ साथ में हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम से यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड को चेक करें तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ठीक है तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन भी है और एम से MgO की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है अब क्या आप क्या हो गया रिडक्शन कैसे हो रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट ऐड होता है तो भी रिडक्शन होता है तो एक्चुअल में ये रिडॉक्स भी है तो इसके दो ऑप्शन यहाँ राइट दिख रहे हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये और यहाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है आगे बढ़ते हैं वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग आपसे पूछा गया कि जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले पहले इसको रब किया गया होगा रगड़ा गया होगा किसी चीज से क्यों तो बच्चों इसको रब इसलिए किया गया होगा क्योंकि जब मैग्नीशियम जो है की रिएक्टिविटी काफी होती है तो जब ये पड़ा होता है कहीं पर तो ये इसके ऊपर ऑक्सीजन अपनी लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की यानी इसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है एक लेयर बन जाती है किसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की फिल्म बनने की वजह से ये अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है तो इसलिए हम इसको पहले रब करते हैं रब करने से क्या होता है ये वाली फिल्म रिमूव हो जाती है और जब ये वाली फिल्म रिमूव हो जाती है तो प्योर मैग्नीशियम मिलता है और फिर प्योर मैग्नीशियम ईजिली बर्न होती जाता है तो हम क्या कहेंगे ड्यू टू प्रजेंस ऑफ फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की फिल्म की वजह से लेयर की वजह से ऐसा होता है आगे बढ़ते हैं तो आपसे रिएक्शन दी है टू एच एन ओ थ्री प्लस सी एच का होल्ड ट्वाइस का एग्जाम्पल तो देखिए तो भी बताया हुआ है प्रोडक्ट साइड में भी एक मेटल जरूर होगी यहाँ कोई भी सिंगल मेटल नहीं दिख रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है ठीक है कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है दो सब्सटेंस मिलके अभी अभी बताया था एक बनाते हैं यहाँ तो दो मिलके दो ही बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन भी नहीं है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो एच एन ओ थ्री एक एसिड है बिल्कुल ठीक है सी ओ एच का होल ट्वाइस एक बेस है अभी मैंने बताया था मेटल के हाइड्रोक्साइड मेटल के ऑक्साइड और मेटल के कार्बोनेट बेस होते हैं तो एसिड भी है ये ये बेस भी है और हमें पता है सी एन ओ थ्री का ये सॉल्ट भी है और ये वाटर भी है और वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं

अभी अभी हमने AgCl सी एल को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट कराया था आपकी रिएक्शन चेंज करके दे दी गई है टू ए जी आई को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हीट कराया जा रहा है तो ये सिल्वर में ब्रेक होगा और आयोडीन में ब्रेक होगा तो आपसे पूछा जा रहा है द कलर ऑफ आयोडीन आयोडीन का कलर कैसा होता है ये आपको याद रखना है कि आयोडीन का कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है आयोडीन किस कलर का होता है पर्पल कलर का तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऑप्शन ठीक होगा right होगा बी पर राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पटेटो चिप्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद गैस यानी जो पटेटो चिप्स यानी जो आप मार्केट में चिप्स के पैकेट खरीदते हो उस पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है तो उस पैकेट में एक लैस रिएक्टिव गैस भरी होती है जो फैटी एसिड से रिएक्शन ना करे और फैटी एसिड से रिएक्टिव रिएक्शन कौन सी है जो गैस रिएक्ट नहीं करती तो वो है नाइट्रोजन गैस विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद रेंसिड फूड इनमें से कौन सा करेक्टर है जो रेंसिड फूड का करेक्टर है यानी रेंसिड फूड का मतलब फूड में बदबू आना सड़न होना खराब हो जाना स्पॉयल हो जाने को रेंसिड फूड बोलते हैं तो जब हमारा फूड रेंसिड हो जाता है तो कौन सा करेक्टर हमें दिखता है सफोकेटिंग स्मेल दम घोटू सी स्मेल आती है नहीं जी तीखी स्मेल आती है, ऐसा भी नहीं है हाँ, अनप्लीजेंट स्मेल सी गंदी सी बदबू आती है और अनप्लीजेंट टेस्ट टेस्ट भी चेंज हो जाता है तो इसका राइट अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है और अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाता है आगे बढ़ते हैं वाई डू गोल्ड एंड प्लेटिनम नोट इन मॉइस्ट एयर यानी वो कह रहे हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम इन मेटल्स का कोरोजन नहीं होता है क्यों नहीं होता है तो बच्चों इन मेटल का हाउ फॉलोइंग इफेक्ट इन केमिकल इक्वेशन अ सोल्यूशन मेड इन वाटर अगर किसी चीज के सोल्यूशन को पानी में घूल के बनाया गया है तो उसको क्या लिखते हैं तो बच्चों अगर किसी चीज के सोल्यूशन को पानी में घूल के बनाया गया है तो अगर वो सोल्यूशन एक्स वाई है तो इसके बराबर में हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं एक एक्वस एक यू का मतलब होता है एक्वस और एक्वस रिप्रेजेंट करता है कि ये सॉल्यूशन को पानी में घोला गया है जैसे अगर मैं कहूँ कि जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट को पानी में घोला गया है तो पानी में घूलने का मतलब क्या होगा अगर मैंने बराबर में एक्वस लिख दिया मैंने कहा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि जिंक सल्फेट को पानी में घोला गया है तो जब भी पानी में डिजोल्व कराया जाता है किसी चीज को तो वो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज यानी सांस लेने की जो प्रोसेस है वो कैसी है वो एक्सोथर्मिक है वो एंडोथर्मिक है वो रिडॉक्स टाइप की है या क्या है तो बच्चों जब हम सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे मुंह से भी हीट इवॉल्व होती है हमारी बॉडी से हीट बाहर आती है और अगर हमारी बॉडी से हीट बाहर आती है तो जिन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं आगे बढ़ते हैं तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट का जब ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ठीक है ब्लू कलर का सॉल्यूशन है चेंज वेन आयरन नेल इज डिप्ट यानी जब इसमें आयरन नेल डिप की जाती है तो ये चेंज हो जाता है कौन से कलर में तो देखो जब आयरन कॉपर से हाईली रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर तो ये हो जाएगा यानी ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन सल्फेट का कलर होता है अभी हमने पीछे भी देखा था पेल ग्रीन ग्रीन यानी कलर का तो इसका मतलब ग्रीन कलर का हो जाएगा यानी ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है आप उतार सकते हैं इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट यानी जब आप कॉपर नाइट्रेट को हीट कराओगे तो एक ब्राउन कलर की गैस मिलती है बताइए कौन सी मिलेगी तो बच्चों जब आप कॉपर नाइट्रेट को हीट कराओगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा एन टू गैस मिलेगी ओ टू गैस मिलेगी तो इसका मतलब ब्राउन कलर की गैस कौन सी होगी तो वो ब्राउन कलर की गैस होगी एन टू तो इसका राइट ऑप्शन है बी नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आपसे कहा गया है जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म कंपाउंड जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है तो बच्चों जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 के साथ ट्रीट करेगा तो बताइए क्या बनेगा तो आप सिंपल समझिए जिंक सिल्वर से हाईली रिएक्टिव है तो जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर देगा लेकिन जिंक की वैलेंसी कितनी होती है टू और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है वन ठीक है तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए फॉर्मूला बनना चाहिए ZnNO3 का होल ठीक है तो यहाँ क्या बनेगा यहां बनेगा ZN, का होल प्लस बाहर आएगा? सिल्वर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे तो, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी अब प्रोडक्ट हमारा क्या है जिंक नाइट्रेट का ट्वाइस और सिल्वर तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर यहां बनेगा तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है, क्या होगा जब को 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 पानी में घोल दिया जाएगा? तो देखिए होता है को बोलते हैं quick lime. Quick lime को जब आप पानी में डालोगे तो क्विक लाइम पानी में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कह रहा है क्या होगा तो स्लेग्ड लाइम बनेगा और स्लेग्ड लाइम कौन सा ऑप्शन है ए राइट ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी तो मैं आपको बता दूं एंटी क्या होते हैं तो जब हमारे फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए हम कुछ केमिकल्स अपने फूड में मिलाते हैं जिनको हम एंटी बोलते हैं और जनरली जो हमारे सिलेबस में एंटी ऑक्सीडेंट हैं वो हैं बी और बी ठीक है एक होता है बी फॉर ब्यूटाइलेटिड ब्यूटाइलेटिड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ये होता है ब्यूटाइलेटेड ठीक है तो ये दो तरीके के हमारे पास क्या है दो तरीके के हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अब ऑप्शन में देखते हैं क्या टोलुइन तो टोलुइन तो, तो नहीं है हाइड्रोक्सी टोलुइन नहीं जी हाइड्रोक्सी एनिसोल ये बी एच ए इसको इन शॉर्ट बी एच ए बोलते हैं तो ये ऑप्शन ठीक है तो कौन सा है ये दो होते हैं हो सकता है अगर किसी और क्वेश्चन में एंटीऑक्सीडेंट दूसरा दे दे तो या तो बी एच ए देगा या फिर बी एच टी देगा तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन 50 टॉप क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड करके और कोशिश की गई है इस वीडियो के अंदर कि सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए सारे टॉपिक्स का रिव्यू हो जाए सारे टॉपिक्स बहुत इजीली कवर हो जाए तो, तो सारे टॉपिक्स बहुत इजीली कवर हो गए हैं तो पार्ट वन आपको मुझे लगता है कि बहुत बेटर लगा होगा और बहुत अच्छे से आपका रिविजन हो गया होगा पार्ट टू में हम लोग एसर्शन रीजन डिस्कस करेंगे तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी इसका बेनिफिट्स पहुंच पाए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच